हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? और चलिए, आज मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग तो सोचते होंगे जो 2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही है, तो मेरा तबीयत भी खराब है और इतना ना इंटरनेट स्लो चल रही है जो अपलोड नहीं हो रही है वीडियो, इसलिए हम नहीं डाल पा रहे हैं। वीडियो अपलोड में लगाए हैं, बाकी नेट के प्रॉब्लम से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। बाकी आज चलिए ब्लॉग हम बनाते हैं, आप लोग को दिखाएंगे कि क्या कर रहे हैं। अभी बच्चे लोग देखिए खुरपाती में लग गए हैं। ये आ गए हैं मेरा बाबू का दोस्त सोनू, और उधर वो सोया हुआ है जा रहा पढ़ने। और चलिए आप लोग भी ठंडा में बच के रहिए। चलिए आज मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है, आज दिखा रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं, वो सब दिखाएंगे। और इधर मेरा चाय रेडी हो गई, हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। सुबह के 6:30-7 बज रही है। आज थोड़ा लेट तक ले सुबह किए हैं क्योंकि तबीयत खराब है, हमें ठंडा में उठना जरूरी नहीं है ना, तो और तबीयत खराब होगी। और ये देखिए फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं गोभी आलू का सब्जी। गोभी है, आलू है, और ये देखिए मटर छिमी है, मटर छोड़ा करके रखे हुए हैं, और थोड़ा चना है, चना भी इसमें डालेंगे, इसको भी डालेंगे, सब मिक्स करके सब्जी बनाएंगे। और एक चीज़ और हम बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि वो ठंडे के दिन में ही ज़्यादा मिलती है, और उस पर एक कहानी भी आप लोग को सुनाएंगे। और मेरा पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि कहानी इतना मज़ेदार है जे आप लोग सोचिएगा भी, और कमेंट भी करके बताइएगा कि ये बात सीरियसली में पहले हुआ था कभी। और ये देखिए सब्जी सही सब्जी मिक्स कर दिए हैं, मटर आलू गोभी और चना भी डाल दें, चना भी डाला गया, और एक साथ सब बन रहा है, सब चल रहे हैं आटा साल में, क्योंकि इनको लेट हो जाती है रोज नाश्ता में। आज दिखा रहे हैं, असल में मेरा नींद खुल जाता है 3 बजे के करीब, तो मैं उठते हैं और उसके बाद से जगले रहते हैं, सुबह में 5 बजे नींद आ जाती है तब तो। और ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा दिख रहा है, टमाटर भी डाल चुके हैं और सारी मसाला डाल दिए, और चल रहे हैं आटा सानने। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग, और चाय थोड़ा सा पिया दें, क्योंकि सुबह से इनको 2-3 बार चाय चाहिए, चाय के लिए परेशान करके रखते हैं। पहले सारी होमवर्क बना लो, ठीक है, और याद करने वाला याद कर लो, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है, ठीक है, चलो काम करो। और ये देखिए फ्रेंड, मेरे घर क्या आया है, सरसों का साग आया है, ये कल खरीद के लाए हैं। जो सरसों का साग बनाओ, ठंडा तो पड़ रही है, और इसमें पालकी है, और ऐसा है जो इसको प्लास्टिक में रख देने पर ये मुरझाता नहीं है, जस्ट तस ताज़ा रहता है। और मान फ्रिज के सुविधा रहता तो फ्रिज में आदमी रख देता, तो फ्रिज है मेरे पास, बाकी वो दुकान पर रखे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डीप फ्रीजर नहीं है, इसलिए दुकान पर रखे हैं। जो दुकान देखना ज़रूरी है, घर में तो हम लोग कैसे रह सकते हैं, तो इसलिए घर में हम फ्रिज नहीं रखे हैं। तो पालकी लाए हैं और सरसों लाए हैं, जो इसका साग बना दो, तो बथुआ नहीं भी है, तो सरसों का साग और पालकी मिला करके अच्छा सा बन जाता है, तो हम बना के आप लोग को दिखाएंगे भी। और अभी इसको तोड़ ले अच्छे से, क्योंकि इसमें थोड़ा भी खर पताई दूसरा टाइप के रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, और साग में थोड़ा भी दूसरा चीज़ दिखता है तो खाने के भी नहीं मन करता है। बहुत साफ सुथरा साग आदमी बनाता है, और हम में थोड़ा सा ज़्यादा ही है, उसको एक एक बीजते हैं उसके बाद बनाते हैं। मेरी सासू माँ रहती है, तो सासू माँ चुनने बैठेगी तो हमको लगता है जे हमारा अच्छा से नहीं चुनेंगी, आँख से नहीं दिखता होगा, बाकी उनका आँख का ऑपरेशन हो चुकी है, उनको दिखता है, हम नहीं चुनने देते हैं जे अच्छा से नहीं चुनेंगी। ऐसे भी उनको काम में आदत छूट गया है तो मन नहीं लगता है, कहती है जे सब अपने कर लेता है लोग, तो हमको क्या ज़रूरी है करने का, तो वो उतना नहीं करना चाहती है, इन्हें उन्हें का अपना काम देख लेती हैं। तो चलिए अभी इसको अच्छे से काट लेते हैं,
और आप लोग को बताए थे कि इस पर हम एक कहानी सुनाएंगे, तो आज हम सुना रहे हैं। और मेरा कहानी अच्छे से आप लोग सुनिएगा लोग, और ध्यान भी दीजिएगा लोग। और मेरी माँ लोग, दादी माँ वो लोग थी तब बोलती थी से, बुड्ढी थी, कोई गरीब भाई था तो नहीं, गरीब नहीं, भिखमांगा हो गया था। मैंने पहले के बहुत धनिक मनिक था, उसके बाद वो धीरे धीरे मैंने हालात ऐसा हुआ जो बेचारा भिखमांगा हो गया। बहन का शादी हो गई, भाई बहन थे लोग, और बहन का शादी हो गई। बहन का शादी बहुत अच्छे घर में हुआ और वो चली गई अपने ससुराल। तो भाई को इसी तरह होते होते भाई भीख मांगने पर मैंने थी हो गया। तो भीख मांगा जब हो गया ना, मैंने कपड़ा उपड़ा फटा उटा, भीख मांगा तो नहीं ये हुआ था, मैंने अपना कमाता खाता था। तो कपड़ा फटा उटा पहन के गया, उसको एक दिन बहन का याद आया, तो बहन किहन गया, तो अब भाई को गांव का लोग तो देखबे करता है शादी ब्याह में, चाहे इस तरह भी भाई गया तो सारा लोग चिंता है जो हाँ इसका भाई है। तो गांव का और घर का लोग बोला जब तुम्हारा भाई आया है, तो उसका बहन क्या बोल रही है जे खिड़की से देखी या कह रही है ना, वो हमार भाई ना है, से ऐसा हमारा भाई नहीं है। तो उसके बाद फिर भी ये जबरदस्ती किया जब हम बहन से मिले, तो लोग बोला जे नहीं वो कह रही है मेरा भाई ये नहीं है। तो भाई लौट के वहाँ से बहन के घर से वो चला गया, गया तो वहाँ से फिर अपना वेशभूषा बदला, और बदल करके और वहाँ लिया क्या, सरसों का साग बथुआ, सरसों बथुआ लिया और मछली लिया और गया बहन की यहाँ, फिर गया बहन की यहाँ ड्रेस चेंज करके अपना। तो बहन को लोग बोला जब तुम्हारा भाई आया, तो बहन कह रही है हाँ ये हमारे भाई है। तो बहन बोली ये मेरा भाई है, तो लगी पानी उनी ले आके भाई का गोड़ उड़ धोने। तो भाई गाना गा रहा है जे सुन सरसो के साग सुन रोहुआ बरार, रोहुआ मछली मैंने, तो उसको रोहुआ वो बरार बोल रहा, उसको आदर होला तो तोहार गोड़ धोआला हमार, और रोने लगा। कहने के मतलब जे हम कुछ लेके आए, तब मेरे बहन चीनी जे ये मेरा भाई है, और नहीं तो मेरा जैसे पहले आए थे तो मेरी बहन नहीं चीनी जे ये मेरा भाई नहीं है। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए, कोई भी बहन हो हमारा भी भाई है, हम भी किसी के बहन हैं, और भाई और बहन कैसे भी स्थिति हो एक दूसरा को पहचानना चाहिए। और भाई बहन का ऐसा पवित्र रिश्ता है जो सभी लोग जानते हैं, कोई ऐसा मौका पर भाई नहीं है तो बहन के आंख से आंसू छलक ही जाती है। तो वो कहानी माँ वो लोग बोलती थी, तो आज हमको याद आया है, कोई ऐसा बात याद आया उस पर हमको याद आया है। तो ऐसा बहन को कभी भी नहीं बनना चाहिए, बाकी दुनिया में बहुत सारा बहन है जो बहुत खत्म बहन सब है, बाकी बहुत बहन भी है जो भाई के साथ संघर्ष भी करती है जैसा भी स्थिति हो। तो यही सब कहानी है, और आप लोग को हम सरसों का साग बना के दिखा रहे हैं। आप लोग ये हमको कमेंट में बताइएगा लोग, ये बात जो जानते होंगे वो हमको बताइएगा, ये बात सही था, ये कहानी जो हम सुनाए हैं ये सही है कि गलत हम बोले हैं, ये आप लोग बताइएगा लोग, जो हमको भी अच्छा लगे, क्योंकि हमको याद पड़ गया, हम लोग सुने हैं, हम लोग का माँ भी बोलती थी, दादी माँ लोग भी बोलती थी, तो इसीलिए हम बोले हैं, आज हमको याद आ गया है, समझे। और सब आप बात भी आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे, और बहुत सारा बात तो आप लोग के साथ शेयर भी करते हैं, बाकी परिस्थिति के साथ शेयर करना चाहिए क्या। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए।
तब इसको काट के धो करके और बनाने के लिए रखते हैं। और एक चीज बना के हम दिखाएंगे, जो हम बोले थे हमको मकई की रोटी और मछली खाने के मन करता है और साग, तो हमको मकई के आटा कोई दे गया है, एक कोई नहीं एक चाची है हम लोग का, ये मैंने ये नहीं है जो वो अपनी चाची है, यहाँ जो वहाँ रहते हैं तो मोहल्ले की चाची है, हमको शुरू से वो बहुत मानती है, मैंने मेरी माँ की जैसा वो है, तो वो हमको थोड़ा भी कोई भी प्रॉब्लम सुनती है तो एकदम रोने लगती है जो मेरी बेटी कितना झेलती है और पाजा में धह के रोने लगती है, और चाहे उनको भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आती है बताती है हमको और बेचारी रो भी करती है। तो हमको मकई के आटा ले आके दी, हम बोले चाची हमारा ना मिलेला, तो ये गुस्सा जाते हैं जे कहे तुम बोलती है, बाकी हम मानते हैं जो माँ का हमको आदर दे रहा है उसके साथ कोई बात शेयर करना खराब थोड़े होती है। तो चाची मेरी ले आके दी और आज उसको बनाएंगे, मकई के रोटी भी बनाएंगे आपको दिखाएंगे, और ज़्यादा नहीं बनाएंगे, एक थो ही बनाएंगे अपने लिए ही, क्योंकि दूसरा कोई नहीं खाता है। मेरा बड़ा वाला बाबू खाता है मकई का रोटी, तो वो दूध के साथ खाता है, मम्मी बोलता है मम्मी ये दूध के साथ खाने में खोआ के तरह लगता है, तो मेरा बड़ा वाला बाबू खाता है, तो उसके लिए शाम में बनाएंगे, अपने लिए हम अभी बनाएंगे, एक ठो बनाएंगे साग बना लेते हैं तो आप लोग को दिखाएंगे भी। और चलिए, मेरी माँ नहीं है बाकी उनको हम देखते हैं तो मेरी माँ का फीलिंग भुला जाते हैं, और मेरी माँ भी थी, मेरी माँ थी कोई चीज़ होगा तो ये चीज़ गुड़िया का पसंद है, वो माँ मेरी बना के ले करके आती थी मेरे पास। हमको याद है हमको जो ठंडा वो क्या होता है खिचड़ी, जो तिलवा सकरात होता है, तो तिलवा सकरात का जो क्या सब लोग सब पसंद करते हैं, हम जो जाता ऐसे ऐसे वाला नहीं होता है जाता, उसमें का चावल पीसा हुआ हम केसार पसंद करते हैं मोटा वाला, तो मेरी माँ सब कुछ एथी नहीं करेगी, बाकी मेरे लिए चावल के भूंज के और जाता में थोड़े ही पीस करके हमको 5-10 केसार बना के भेजेगी, बाकी माँ मेरी मेरे लिए वो ऐसा केसार भेजती थी। बाकी जब से मैंने मेरा कैट ऑपरेशन हो गया तब से अब नहीं सूट करता है वो सब खाना, और तो मेरी माँ भी ख़त्म हो गई तो कौन बनाता है, तो मेरी माँ वैसा मेरे गांव में भी लोग कहता है जी चाची थी गुड़िया का जो क्या पसंद है वो करके भेजती थी, और कुछ में दे चाहे नहीं दे, बाकी वो जो तिलवा सकरात होता है उस टाइम में मेरे लिए कुछ ना कुछ मेरी माँ बना के भेजती थी, ये सब चीज़ें बुझाता है आदमी को। नायका चावल है तो मेरी पिताजी भी थोड़ा ही भेज देते हैं, और नहीं तो मेरी दीदी की यहाँ से आ जाता है, मेरा दीदी का सासू माँ भी भेज देते हैं जे गुड़िया के लिए इतना ये दे देने के लिए, नायका चावल हमको मिल जाता है, हमको नायका चावल खरीदना नहीं पड़ता है, जो खिचड़ी बनाया जाता है तिलवा संक्रांत का दिन, तो कहीं से ना कहीं से हमको नायका चावल मिल जाता है, और इसलिए क्योंकि हम लोग तो रेडीमेड खरीद के खाते हैं, तो वो क्या हाफ बॉयल चावल खाते हैं, तो यहाँ तक वो खरीदने पर नायका चावल तो मिल ही जाता है, बाकी फिर भी मानते हैं रिलेटिव में लोग को पता है जो गुड़िया को नहीं होती है तो लोग हमको भेज देते हैं, हम मना करते हैं जो अच्छा नहीं लगता है आप लोग ये चीज़ भेजते हैं तो लोग गुस्सा जाता है जो भाई अपना ही ना जान किसी को कोई कुछ देता है। और ये देखिए फ्रेंड ये कुछ कहना चाह रहा है, देखिए मुँह में मीठा रखा है, क्या रखा है जी? मीठा मीठा रखा है, आई सब बहुत गंदा आदत है, दाँत सड़ेगी कि नहीं, एनी टाइम मीठा खाते हो, क्या बोलना चाह रहा है बोलो। हेलो गाइस लाइक सब्सक्राइब, हेलो गाइस लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए साग को कितना पानी धोना चाहिए वो आप लोग को हम बता रहे हैं, साग को 3-4 पानी धोना चाहिए तब साफ धोती है साग, क्योंकि 2 पानी नहीं धोना चाहिए कभी भी, इसमें कीड़ा मकोड़ा भी चुनने के बाद भी इसको 3-4 पानी धोना चाहिए, इसलिए जो कीड़ा मकोड़ा इसमें का अच्छा से निकल जाएंगी, और जो बालू वालू कुछ रहता है मिट्टी उट्टी वो भी अच्छा से निकल जाता है,
तो किचकिच साग नहीं करती है। और चलिए अब चल रहे हैं हम धो के लाने, और यहाँ बाल्टी में रख लिए हैं और अच्छे से धोएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और ये देखिए फ्रेंड, इसमें इसको का किए हैं गलने के लिए, सरसों का साग रख दिए हैं। देख रहे हैं हरी हरी से पानी इसका निकल रहा है, पानी छोड़ दिया है तो, और पानी इसमें बहुत ज़्यादा छोड़ती है सरसों का साग, तो इसमें अभी गल चुकी है। और इसमें नमक डालेंगे और सबसे लास्ट में इसको कूट करके, और इसमें हरा मिर्च, अचार का थोड़ा सा तेल मसाला डालेंगे और खूब अच्छे से इसको ऐसी करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे भी। और देखिए कैसे इसमें से पूरा पानी, और इसमें थोड़ा बथुआ रहता था वाले पूरा पानी से कढ़ाई भर गया रहता। और इधर देखिए मकई का रोटी ऐसा ही ना बनता है, ये बना रहे हैं नज़दीक से भी आप देख सकते हैं, ये मक्का का रोटी है। और इधर मेरा साग रेडी हो चुकी है आस्ते आस्ते, और इसको ऐसे ऐसे कूट देंगे, पूरा अच्छे से कूटा जाएगा तो अच्छा दिखेगा। और दिख रहा है साग आप लोग को, साग भी गल गई है। तब तक मकई का रोटी बना लें, दो टू रोटी का आटा सना के लें उसे। और ये देखिए इसको अच्छे से उलीट दिए, और ये चीज़ मेरी माँ सिखाई है, हम अपने माँ से ही सीखे हैं। ऐसे ऐसे इसको इसको ऐसे ऐसे करके गोला किया जाता है, देख रहे हैं। और थोड़ा सा पानी का हाथ करके इसको ऐसे ऐसे हम करके दिखा रहे हैं आप। और ये देखिए इसको अच्छे से ऐसे 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 करके हम ठीक कर लेंगे। इसको हाथे पर ठोक के बनाएंगे, बेलना चौकी पर टूट जा रही है और टूट ही जाती है, हमसे बेलना चौकी पर नहीं बनती है। तो इसको ऐसे ऐसे करके, ये मेरी माँ का सिखाया हुआ है, इसको पतला करते हैं। पहले बीच से इसको ठोक के पतला किया जाता है, फिर आरी आरी से थोड़ा 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 हाथ में पानी लेके इसको, अब बहुत सारा नहीं, नहीं तो ये खुद से खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, हाथ में सट जाएगी। तो इसको ऐसे ऐसे करके इसको पतला किया जाता है। और बहुत लोग बेल के ही बना लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं बेल के बनती है। मेरी माँ भी ऐसे ही बनाती थी, हम भी ऐसे ही बनाते थे, बाकी मेरी माँ का रोटी बहुत बड़ा बड़ा बनती थी मक्का का, हम लोग सब बहुत पसंद करते थे। और देखिए जो चीज़ आदमी खाया है वो चीज़ नहीं भुला पाता है, अब तो ये सब उतना मिलती नहीं है। और कोहड़ा का साग, कोहड़ा का जो पत्ता होती है उसका भी साग बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए ये मेरा रेडी हो गया है, आप लोग को दिख रहा है, पूरा पतला दिख रहा है। हेलो फ्रेंड, और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी रोटी रेडी हो गई है। और इसको दोबारा उलीटना है और इसको डालेंगे। तब तक चलिए अब मेरा वीडियो में आप लोग बने रहे। और ये देखिए ये रोटी मेरा रेडी हो गई है मकई का, और देखने में कैसा लग रहा है वो बताइएगा लोग। ऐसे ही ये बनता है। और चलिए अब चलते हैं बर्तन सब साफ कर दें, और साग में हरा मिर्च अचार उचार का तेल डाल दें। और बेड उड भी ठीक कर चुके हैं, क्योंकि इधर कम्बल उम्बल तो भर के रख चुके हैं, और रूम में केवल अब पोछा मारना है, झाड़ू उड़ी सब लग गई है। और अब चलिए यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, वीडियो बहुत देर का हो गई है। और मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में, और तब तब बाय।